ईपीएस से संबंधित है, मतलब कई तरह के कर्मचारियों से संबंधित कई भुगतानों का मामला है, कई समस्याएं हैं, उन सबको लेकर के आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर सरकार नहीं मानी, अभी ठीक है आचार संहिता लग गई है, हमारी मजबूरी है, नहीं मानी तो आगे हम आचार संहिता के बाद आंदोलन को जो है रफ्तार देंगे, बड़ा करेंगे और सरकार से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। राजस्थान रोड का मजदूर हमेशा से लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा और लड़ता रहेगा, चाहे सरकारें किसी की भी रहे। जय हिंद। ये सर हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों की समस्या का निराकरण के लिए 1 तारीख को पेंशन, भविष्य निधि पेंशन में जो विसंगति आ रही है और उनको दूर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज लगाने के लिए सभी मुख्य प्रबंधकों को भविष्य निधि कार्यालय से आवेदन पत्र आए हैं, उनका विसंगति दूर करके भिजवाना है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा टाला मटोल कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश स्तर पर आज 2-1 घंटे का विरोध प्रदर्शन करके और मुख्य प्रबंधक चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री अतिरिक्त मुख्य सचिव और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के नाम से ज्ञापन मुख्य प्रबंधक को हम दे रहे हैं।